नहीं, लव जिहाद विधेयक जो पास हुआ है सर, लव जिहाद नाम का कोई विधेयक पास नहीं हुआ है सर। आप कागज देखिए, लव जिहाद नाम का कोई विधेयक, विधानसभा सदन में पेपर लीक विधेयक पास हुआ है ये भी बोल। एक मिनट, लव जिहाद नाम का कोई विधेयक नहीं पास हुआ। धर्म परिवर्तन वाले हाँ, उसका पूरा पढ़िए, उसको आप लव जिहाद कह रहे हैं तो हम थोड़ी कहेंगे। ठीक, विधि विरुद्ध कोई भी काम किया जाएगा उसका विरोध। सर पेपर लीक विधायक कल बोलेंगे। अनुपूरक बजट जो पेपर लीक वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उतना कम है, ये देश के और प्रदेश के भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़। बातों में ही लव जिहाद, जिहाद भी हमारे देश के लिए खराब शब्द है, और लव कितना सुंदर शब्द है, प्रेम और सौहार्द। अब कोई प्रेम और सौहार्द को प्रेम के जाल में फंसाकर उसे बिगाड़े और उस शब्द को कलंकित करे तो कानून तो बनाना पड़ेगा ना। ये तो कोई देश रहेगा कानून बनाएगा? अभी जाओ देखो और देशों पर, पश्चिम देशों में देखो कितने कड़े कानून हैं। हमारे यहाँ तो अभी शुरू हो गया। तो ये सब चीजें जनता चाहती थी, उसके हिसाब से कानून बना। विपक्ष कह रहा है कि कानून पहले से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये उन मुद्दों को ला करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, और इसी वजह से लव जिहाद कानून को, विधेयक को दोबारा पेश किया गया। उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाता जा सकता था कानून में, लेकिन नहीं, ये विधेयक पेश कर रहे हैं ताकि उसको हाईलाइट करें, उस मुद्दे से जनता के दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा करें। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में उन लोगों के हाथ में सत्ता थी तो ये किए ही होते, तो जरूरत क्यों पड़ती, क्यों अखबार में छपता, क्यों पकड़े जाते, क्यों इस तरह का आता? अवसर तो उनके पास था ना, कर देते, कानून बना देते तो लोग ऐसे कृत नहीं करते। लोग तो आज अगर कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे तो कृत होते रहेंगे, जिससे हमारे भारत ये है। तो जनता जो चाहती है उसके हिसाब से कानून बनता और कानून बन गया। और अच्छा देखिए, मुझे इस विषय में बहुत वो नहीं है, और मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शने वाली नहीं है। अनुपूरक बजट को आप कैसे देखते हैं? निश्चय प्रदेश के हित में, विकास के लिए, कितना प्रदेश के विकास के लिए कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, प्रदेश में जो विकास की एक धारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बह रही है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखिए, हमारी सरकार ने अभ्यर्थियों के हित के लिए हर जरूरी कानून माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है, और पेपर लीक जैसे घृणित कार्य में लिप्त किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।